कोरोना वायरस से पूरी दुनिया संकट में है। लॉकडाउन के नियम का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए भागलपुर पुलिस लाइन में रविवार को सैनिटाइजेशन टनल का शुभारंभ किया गया। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने फीता काटकर टनल का शुभारंभ किया। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि देश की जनता के साथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी जरूरी है। साथ ही एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों से सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई का खासा ख्याल रखने की बात कही। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसी कारण लॉकडाउन लगाया गया है, और कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मुख्य हथियार है वो है कि आदमी सैनिटाइज करके रखे, अपने आप को साफ सुथरा रखे और लॉकडाउन पूरी तरीके से सख्ती से इन्फोर्स हो। पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं और 24 घंटे ड्यूटी पे हैं, और इसीलिए यह आवश्यक है कि वो खुद भी अपनी सुरक्षा कर सके, अपने आप को सैनिटाइज रख सके। इसी क्रम में पुलिस लाइन में, भागलपुर के पुलिस लाइन में आज यह सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है, जो कि ये टैरो पंप्स हैं यहाँ पे भागलपुर में, जिसके सहयोग से ये लगाया गया है। और इस टनल से जो भी सिपाही और पदाधिकारी आएंगे पुलिस लाइन में, उन सब वो सभी लोग इसमें से गुजरेंगे। उसमें डिसइन्फेक्टेंट डाला गया है ताकि जो भी व्यक्ति उससे गुजरे वो सैनिटाइज हो जाएं जब तक। वहीं मुंगेर पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस कार्यालय में सैनिटाइजेशन जोन बनाया गया। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने सैनिटाइजेशन जोन का शुभारंभ करते हुए सभी से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की बात कही। एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात फ्रंट लाइन पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है। साथ ही एसपी लिपि सिंह ने कहा कि सैनिटाइजेशन जोन को लगातार कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है और जल्द ही सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन जोन लगवाया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पुलिस कार्यालय और इसी को हम लोग जो है दूसरे और भी पुलिस कार्यालय और थानों में एक सैनिटाइजेशन कम स्क्रीनिंग की पहल की गई है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पुलिसकर्मी काम करने के लिए आते हैं वो एक तरीके से सैनिटाइज होकर के आए। यहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं तो हालांकि अनुपालन किया गया है उनका रोस्टर बना करके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक पहल की है जिसके तहत इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति है, पहले तो वो घर से मास्क लगा करके आएगा, मास्क लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद एक वॉश बेसिन साइड में होगा जहाँ पर एक हैंड वॉश, पानी या सैनिटाइजर रखा रहेगा। उसमें 20 सेकंड के आसपास तक हाथों को रगड़ रगड़ करके धोना है, देखना है कि क्यूटिकल्स और जो नाखून है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। फिर उसको एक सूखे कपड़े से पोंछना है। फिर वहाँ पे जस्ट आगे एक टब है जिसमें पानी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से मिक्स्ड है, और उसमें जो है 5 सेकंड के लिए खड़ा रहना है जिससे कि जो शू है, जो उसका जो शू का जो सोल होता है वो भी सैनिटाइज हो जाए। कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है। प्रदेश भर में लॉकडाउन के उल्लंघन में अब तक 800 से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में भी नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और शहर के विभिन्न थानों में एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इधर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस पदाधिकारी और जवान दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। रविवार को सड़क पर मटर गश्ती करने निकले लोगों की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई और उठक बैठक भी कराया। पुलिस ने स्टेशन चौक, खलीपाबाग चौक, कचहरी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, तिलकामांझी चौक समेत कई स्थानों पर प्रशासन ने कारण बताओ अभियान चलाया और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर युवाओं से गोलंबर का चक्कर लगवाया। वहीं DSP संजीव कांत ने माइकिंग कर लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलने वाले लोगों को सरकारी एडवाइजरी की जानकारी दी, साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन का आज 19वां दिन है और भागलपुर में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कचहरी चौक पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और जगह जगह पुलिस पदाधिकारी मौजूद है और माइकिंग भी की जा रही है। लोगों से साथ ही साथ अपील की जा रही है कि आप अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे साथ DSP साहब मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कैसा लग रहा है आपको लॉकडाउन और क्या अपील होगी आपकी? अपील
तो सवेरे और सुबह शाम रात करते ही रहते हैं। अपील इस पर लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा, और लोग कुछ अनावश्यक रूप से निकलते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसे तादाद में हैं लोग, और आवश्यक सामग्रियों को 10 बजे दिन तक लेके वो सब अपने घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति को बनाए हुए हैं, पालन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि आपको अगर आवश्यक सामग्री लेनी है, दुकान जाने है, जाना है, सब्जी खरीदना है, तो आप 10 बजे दिन के पहले ही खरीद लें, वो खरीदारी कर लें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं, कचहरी चौक की तस्वीर है, देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग स्वयं खुद से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हालांकि जो लोग अनावश्यक रूप से निकलते हैं उसके ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आने जाने वालों को डीएसपी और जो पुलिस अधिकारी हैं वो रोक टोक कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। कचहरी चौक पर यह अभियान चल रहा है और हर आने जाने वाले पर और जो घर से बाहर निकले हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है। सिल्क टीवी भी आपसे यह अपील करती है, हम भी आपसे यह अपील करते हैं कि आप अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर सरकार के निर्देश पर सभी जिले के प्रखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य शुरू हो गया है। रविवार को भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई। प्रत्येक प्रखंड में कोरोना के स्क्रीनिंग को लेकर 4 टीम गठित किया गया है, जिसमें चिकित्सक के साथ ANM एवं थर्मेसिस्ट शामिल हैं। इस दौरान चिकित्सकों ने घर घर जाकर लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री के साथ स्वास्थ्य समस्या की जानकारी ली। स्क्रीनिंग के दौरान लोगों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधित परेशानियों की जानकारी ली गई। नाथनगर रेफरल अस्पताल के डॉक्टर निरीपजीत सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देश पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर कोरोना के संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है और स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी लक्षण दिखाई देने पर मरीज को एम्बुलेंस से जांच के लिए भेजा जाएगा। नाथनगर रेफरल हॉस्पिटल से आए हैं आयुष चिकित्सक डॉक्टर निर्वीर सिंह हैं। कोरोना के बारे में जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कितने लोग बाहर से आए हैं और डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रहा है, और जो घर में भी हैं तो उनकी तबीयत कैसी है, खांसी है या नहीं है, बुखार है या नहीं है और सांस लेने में तकलीफ है या नहीं है, लोगों से पूछ रहे हैं और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ संक्रमण की क्या स्थिति है। इस संक्रमण की स्थिति को पता लगाने के लिए हमारे प्रधान सचिव जी जो है ये डाटा मांग रहे हैं सभी ब्लॉक से, पूरे बिहार से। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के कारण जहां लोगों का रोजगार बाधित हुआ है, वहीं आम एवं खास सभी वर्ग के लोगों के समक्ष खाद्य सामग्री की समस्या सामने आई है। खाद्य सामग्री की समस्या समाधान के लिए सरकार, जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठन के लोग लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन में लोगों के समक्ष दवा आपूर्ति की समस्या अधिक देखी जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिना घर से बाहर निकले ही महज एक फोन कॉल पर उनके जरूरत की दवा उचित कीमत पर घर में उपलब्ध कराई जा रही है। रविवार को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान की मौजूदगी में सुमित अग्रवाल एवं अनुराधा खेतान ने अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए ऑर्डर के दवाओं की पैकिंग की और सभी दवाओं को संबंधित क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए भेज दिया। हालांकि इस कार्य में घर के बच्चे भी मदद करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि संघ की ओर से लॉकडाउन को देखते हुए विगत कई दिनों से जिले के कहलगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज समेत अलग अलग प्रखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दवा पहुँचाने की निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। अनुराधा खेतान ने कहा कि खाने की सामग्री तो लोगों को मिल ही जा रही है, लेकिन दवा खरीदने ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर नहीं आ पाते हैं और इसी को ध्यान में रखकर दवा पहुंचाने की सेवा शुरू की गई है। सुमित अग्रवाल ने कहा कि जिले के किसी भी प्रखंड क्षेत्र से लोग संघ के हेल्पलाइन नंबर 9473040127 पर कॉल करके अपनी दवा घर पर ही मंगवा सकते हैं। ये सारी दवाइयां अभी पैकिंग हुई है केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा, जैसे रोज न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं कि निःशुल्क सेवा की जा रही है। जो लोग लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकल रहे हैं और जो कि रोज़मर्रा की जिनकी दवाइयां बहुत ज़रूरी होती है, उनको केंद्रीय रेल यात्री संघ द्वारा घर घर पहुंचाई जा रही है, सेवा उन्हें फ्री सेवा दी जा रही है।
ये भागलपुर से कहलगांव, पिरपैती, बाराहाट, एकचारी वगैरह जो भी इस रूट के सारे जगह हैं, सब जगह दी जा रही है। और आज से सुल्तानगंज की सेवा भी शुरू की गई है। ये अभी तो आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए सुल्तानगंज का एरिया जो है, भागलपुर से जो सुल्तानगंज में जितने भी रास्ते में पड़ेंगे सबका डिलीवरी का आज से चालू कर दिया हमने। हम लोग भागलपुर से सबोर, कहलगांव, एकचारी, घोगा, शिवनारायणपुर, पिरपैती, बाराहाट, पियालापुर, बाटा, बाबा बटेश्वरनाथ, इस सारे इलाकों में हमने सेवा पहले से चालू कर रखी थी। भागलपुर लोहिया पुल के समीप लगने वाली सब्जी मंडी को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। रविवार को सब्जी मंडी में एक भी दुकान नहीं लगी। दरअसल उल्टा पुल सब्जी बाजार में पिछले कई दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से शनिवार को ही सब्जी मंडी हटाने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सब्जी मंडी में प्रवेश करने वाले सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कि सुजागंज का जो ये सब्जी मंडी है, इसको जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा सील कर दिया गया। इसमें प्रतिदिन बाजार लगता था, लोग खरीदारी करने आते थे, जिसके कारण जिला प्रशासन को बार बार यह शिकायत मिल रही थी कि लोग यहाँ पर जो सब्जी खरीदने आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से सुजागंज सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। और यहाँ के जो थोक विक्रेता हैं उनको बाड़ी जो भागलपुर में है उसमें कहा गया है कि आप जाकर के उसमें अपने अपना कारोबार करें। और इसके साथ ही जो कोयला डिपो चौक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसमें दुकानदार जो सब्जी बिक्रे करता है वो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नगर निगम के द्वारा दुकान लगाया गया है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। कम से कम 5 से 7 फीट की दूरी पर प्रत्येक दुकानदार को बैठाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बस स्टैंड हुआ करता था और जहाँ पर बस स्टैंड था उस जगह पर लॉकडाउन के कारण बस स्टैंड फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए इस सब्जी विक्रेता को हटा करके सुजागंज से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ लोहिया पुल पर भी स्थान दिया गया, दोनों फुट ओवर ब्रिज जो है तो उसकी दोनों ओर सब्जी विक्रेता दुकान लगाए हुए हैं और वो अपनी सब्जियाँ बेच रहे हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जियाँ खरीद रहे हैं। और हम आपको यह भी तस्वीर दिखाते हैं कि लॉकडाउन में जो यह कोयला डिपो चौक है, इसके चारों ओर जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है दुकानदारों को कि आप दुकान लगाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसी को देखते हुए कोरोना वायरस के चेन को, संक्रमण को तोड़ने के लिए कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह एक दूसरे में ना फैले और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसको लेकर के सब्जी मंडी को सील किया गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, वहीं कुछ संस्थाएं राहत वितरण के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रही है। रविवार की सुबह पर्वती चौक पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल दवा विक्रेताओं की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री बांटा जा रहा था। इसी दौरान राशन मिलने की सूचना मिलते ही काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद राशन के लिए लोग सारे नियमों को दरकिनार कर आपस में ही उलझ गए। वहीं भीड़ बढ़ता देख दवा विक्रेता संघ के सदस्यों ने वितरण का कार्य बंद कर दिया और वहां से निकल गए। दवा विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि दिव्यांग लोगों के बीच वह राहत वितरण करने गए थे, लेकिन भीड़ के कारण दिव्यांगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ सबौर बाजार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बाजार में बढ़ती भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने और भीड़ जमा नहीं करने की लगातार अपील की जा रही है, इसके बाद भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया राहत शिविर काफी राहत पहुंचा रहा है। घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में रह रहे विभिन्न जिलों के आश्रितों को भोजन के साथ रहने की भी सुविधा दी जा रही है। शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए भोजन परोस रहे हैं। वहीं भोजन कराने के बाद लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। COVID-19 राहत शिविर में रह रहे लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग सर 28 तारीख से यहाँ लॉकडाउन के कारण फंस गए थे
और घर जा नहीं सके, हम सोचे इधर उधर भटकने से क्या बढ़िया है, तो यहाँ पर हमने नाम सुना टीचर ट्रेनिंग में हर चीज़ की सुविधा है, तो हम लोग यहाँ आके आए। तो यहाँ पर खाना पीने का तो अभी सोचा ठीक है सर, कभी कभी नाश्ता इधर बंद हो गया, नाश्ता वास्ता नहीं मिलता हम लोग को, ठीक है सर। तो कितना टाइम तो खाना मिलता है? खाना 1 बजे के दिन में मिल जाता है, रात में भी खाना मिलता है सर। तो सर अभी क्या खाना देखना है सर, अभी ज़िंदगी बचानी है हम लोग को। कितना पड़ता है सर? पटना हम जा रहे थे, हम गाड़ी हम फंस गए, हमें पुलिस जाने नहीं दिया, वापस कर दिया हमको, फिर यहाँ पर व्यवस्था कार्य में हमको भेज दिया गया, हमको यहाँ से कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता पप्पू यादव के द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। लॉकडाउन को देखते हुए रविवार को राजद नेता ने क्षेत्र के कई गरीब और असहाय लोगों के बीच खुद के फंड से सहायता राशि बांटी। नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके पप्पू यादव ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी संपन्न लोगों को समाज के निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करने से समाज में कलह की भावना नहीं पनपती है और आपस में भाईचारा बना रहता है। कोरोना वायरस पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। ये कोरोना वायरस से हमको लड़ने के लिए आज हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर हम सब भागलपुर में लगे हुए हैं। 16 दिन से जनता के हर दुख में हम सब खड़ा हैं, तन मन धन से तैयार हैं। पैसा का दिक्कत हो जनता को वो मदद कर रहे हैं, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, मसाला हो, नमक तक का व्यवस्था कर रहे हैं। जनता को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, ये दुख के घड़ी में सारे लोग मिल के काम करेंगे तब कोरोना को हरा सकते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित इंडियन बैंक परिसर में रविवार को वेटरन्स इंडिया एवं इंडियन बैंक की ओर से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन सामग्री का वितरण किया गया। राशन का पैकेट बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 200 गरीब परिवार के बीच राशन बांटा गया। सीओ सोनू कुमार भगत की निगरानी में इंडियन बैंक कर्मचारी संघ एवं वेटरन्स इंडिया द्वारा राशन वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों एवं बैंक कर्मियों ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। वितरण के दौरान संजीव कुमार संत, असीम कुमार पाठक, नितेश कुमार, एके सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान समाज के जरूरतमंद लोगों के बीच मोहल्ले के कुछ युवाओं ने राशन वितरण किया। दरअसल मोदी नगर पोषणसा लेन में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसको देखते हुए समाज के राजकुमार शाह, गौतम शाह एवं शंकर ने मोहल्ले वासियों से सहयोग लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया। राजकुमार शाह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, जिसको देखते हुए जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। वहीं भिगनपुर मिश्रा टोला में भी समाज के कुछ युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन वितरण किया। बजरंग सेवा समिति के बैनर तले युवाओं ने पूरी सब्जी का वितरण किया। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन के बाद गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति बदतर होने लगी है। जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को देखते हुए कई सामाजिक संगठन और युवाओं का समूह असहाय लोगों की मदद कर रहा है। भागलपुर के तुलसियान एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से इसाकचक थाना के समीप जरूरतमंद परिवार के बीच राहत सामग्री बांटा गया। इसाकचक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु की निगरानी में फाउंडेशन एवं संघ के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना से बचाव के लिए लोगों से घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की। सुमित अग्रवाल ने कहा कि वैसे लोग जिनके पास खाने का सामान नहीं है वहां राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। आयुष तुलसियान ने कहा कि भूखे लोगों को तत्काल राहत मिल सके इसके लिए फूड पैकेट का वितरण किया गया है। मौके पर रोहित शाह समेत कई युवा मौजूद थे। देखिए अभी जो लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के लेकर के बहुत लोगों के साथ भुखमरी की समस्या आ गई है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे संस्था अपने तरफ से, इवन हम लोग पुलिस वाले भी जहाँ ज़रूरतमंद की सूचना मिलती है वहाँ जाके भी देते हैं, थाने पर भी बुला के हम लोग दे रहे हैं। आज मेरे तुलसियान एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ सूचना दी गई कि हम भी कुछ ज़रूरतमंदों को कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उनके मेरे वार्तालाप करने पर ये आए, तो लगभग 100 आदमियों को का पैकेट लाए थे इन्होंने, तो
तो झोपड़पट्टी में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिसको सख्त ज़रूरत है, तो उन लोगों को कॉल करके बुलाए और सोशल डिस्टेंसिंग का मापदंड के अनुरूप लाइन लगा करके हम लोग सहयोग करते हुए अच्छी तरह से वितरित किए हैं। हमने जो गरीब लोग हैं जो इस लॉकडाउन में जिनको खाने पीने की समस्या हो रही है, सरकार ने तो अपने तरफ से काफ़ी दिया है, परंतु उसके बावजूद काफ़ी लोगों को जो है जो डेली लेबर वेज है उन लोगों के पास जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको खाने की अभी भी दिक्कत है। तो उसमें हमने चाहा कि किसी को कुछ राहत सामग्री पहुंचाने का, जिसके तहत हमने 100 पैकेट तैयार करवाया था, जिसमें हमने कुछ अनाज और चूड़ा और बिस्किट दालमोट पानी का बोतल ये सब देके उसको लोगों को बंटवाने का कोशिश किया है, जो और आगे भी इस तरह का हम लोग कोशिश करेंगे। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अमरपुर नगर पंचायत को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। कांग्रेस युवा अध्यक्ष निर्भय मिश्रा के नेतृत्व में प्रशांत बनर्जी, सन्नी कुमार, रोहित, सूरज, मिट्ठू भगत एवं आशीष पिछले एक सप्ताह से नगर पंचायत के सभी वार्डों को सैनिटाइज कर रहे हैं। निर्भय मिश्रा ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा और घर में रहकर सरकार के निर्देश का पालन करना होगा, तभी कोरोना महामारी देश से समाप्त होगा। निर्भय ने बताया कि कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सभी गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है।